कहीं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, मेडिकल इस किताबों में कहीं नहीं लिखा कि इस ज्ञान को लेने के बाद तू आनंद में आ जाएगा। लिखा है ज्योग्राफी, हिस्ट्री किताबों के अंदर है विष्णु भैया, पढ़ा तो नहीं लॉ के अंदर, ये पढ़ने के बाद तुम आनंद में आ जाओगे। भगवद गीता देखो, इसमें लिखा है किसी ज्ञान की पुस्तक में पूरे विश्व में क्या ब्रह्मांड में किसी और पुस्तक में ये नहीं लिखा गया, इसको जानने के बाद तुम आनंद में आओगे। स्किलवल केवल सनातन ज्ञान अर्थात सनातन तत्व का ज्ञान अर्थात ब्रह्म विद्या अर्थात भक्ति का विज्ञान ही आपको आनंद दे सकता है अर्थात आपको सफल बना सकता है, जो कि अभी भी होगा और आगे भी रहेगा, जिसका कभी कोई अंत नहीं होगा। वही तो आज सारी साइंस भी इसी चक्कर में है कि ऐसी चीज बना दे जो कभी खत्म ना हो, परंतु जड़ जड़ से कैसे, जड़ों को मिलाने, जड़ को जड़ से मिलाने से कैसे काम चलेगा, ये नहीं होगा। कभी सोचो कि हमारे से आनंद दूर क्यों चला गया, क्योंकि आनंदमयो वैसात श्री कृष्ण भगवान ही को आपने दूर कर दिया। हम कृष्ण के हैं, 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 परंतु कृष्ण हमारा नहीं। माम एव आमश, हम तो भगवान के अंश हैं परंतु भगवान हमारे नहीं। प्रॉब्लम ये है, इसका अर्थ क्या हुआ कि भगवान हमें कभी नहीं छोड़ते, हमने भगवान को छोड़ दिया, हमने भगवान को छोड़ दिया। हमने ये उस तरीके से है कि एक बीमार व्यक्ति को दवा मिल जाती है परंतु उसने दवा को ही छोड़ दिया। आनंद के पुंज भगवान श्री कृष्ण है, आनंद के सागर भगवान कृष्ण है, उन्हीं को हमने त्याग दिया, उन्हीं की आज्ञा को हमने छोड़ दिया, उन्हीं के लोगों को हमने छोड़ दिया, गुरु साधु का संग छोड़ दिया, बाकी संगों को जीवन में इंपॉर्टेंस दे दी, भगवद गीता का ज्ञान छोड़ दिया। भगवद गीता और भगवान में कोई भेद नहीं कहते हम लोग कि भगवान के नाम में और भगवान में कोई भेद नहीं है, भगवान के शब्दों में और भगवान में कोई भेद नहीं है, वो पूर्ण है। भगवद गीता का एक एक शब्द जो है वो भगवान श्री कृष्ण है, उनमें कोई भेद नहीं। इसको पढ़ने से और जीवन में लगाने से, सिर्फ पढ़ने से नहीं, आप दवाई का गुणों को पढ़ लो परंतु दवाई लो ना सही हो जाओगे। आज हमने पढ़ लिया इसमें यज्ञात्व मोक्षशया शुभात सुसुखम कर्तुम अव्यय राज विद्या राज राजाय विद्याओं का, क्योंकि विद्या का एक ही काम है वो आनंद देना जो कभी खत्म नहीं हो। अगर वो विद्या ये ज्ञान नहीं दे सकती तो वो विद्या यूजलेस है, बेकार है, क्योंकि अगर चले जाने वाली विद्या है तो चलायमान विद्या है, चलायमान आनंद देगी, और चलायमान आनंद नाम की कोई चीज नहीं होती, क्योंकि जब वो जाएगी वो इतने दुख दे के जाएगी। एक कोर्स बनाया है, छोटा कोर्स है, संक्षिप्त में भगवद गीता को समझाया है, जिससे कि आप अपने जीवन में इस कलयुग के अंदर पूरा लाभ उठा सकते हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक दिया गया है, फ्री में उसको डाउनलोड करिए।